चलिए फ्रेंड, मैं आज क्रूसिया से आपको सिकड़ियाँ बनाने के लिए, कुछ चलाने के लिए सिखाती हूँ। पहले मैंने इसको हाथ में इस तरह से लपेट लेना है। उसके बाद इसको ऐसे करना है, देखिए ऐसे ही। उसके बाद इसको ऐसे फंसा कर, इसको इसको यहाँ से ऐसे फंसाना है, इसमें इसे तैर लेना है इस तरह से। एक दो, आपको जितना फंदा डालना है उस तरह से आप डाल सकते। उसके बाद इसको आप अगर गोल बनाना है कोई भी चीज़ स्टार्ट करना है, देखिए इस तरह से इस दोनों फंदा को एक कर देना है। उसके बाद ऐसे करके एक फंदा लेना है, इसको फंदा बोला है। इसके बाद इसमें से ऐसे निकालेंगे, उसके बाद इस तरह से तीन का दो कर दिए, उसके बाद फिर दो का एक कर देंगे, फिर ऐसे एक फंदा लिए, फिर इसको इस जो जाली ये है इसको भरना है, इस छेद को भरना है। तो क्या करेंगे, जितना ऐसे तीन हो गया, उसके बाद फिर दो कर देना है, फिर एक कर देना है, फिर तीन फंदा बना लेना है, देखिए एक, फिर दो घटा देना है, फिर दो को एक बना देना है, फिर ऐसे फंदा लेना है, फिर इसमें जाली में डालना है, फिर इसके बाद ऐसे करना है, ये तीन हो गया। उसके बाद इसको दो कर देना है, एक घट गया, उसके बाद फिर इसको दो में से निकालना है, तो फिर ये एक हो गया, फिर उसके बाद एक फंदा लेना है, फिर उसके बाद इस तरह से बार बार आप दोहराए जाएं। आप स्वेटर पर भी इस तरह से ऊन को चलाना जान जाएंगी तो आराम से आप स्वेटर का जो कार्डिगन है उस पर भी आप बना सकती हैं। थाली परोस भी बना सकते हैं स्वेटर से पहले, इसको सिलखाने के बाद में स्वेटर कार्डिगन क्रूसिया वाला सिख बतलाऊंगी। देखिए इस तरह, देखिए फ्रेंड क्या हुआ, इशारा ढक गया। उसके बाद मैं इसको इसमें जो अंतिम वाला जो स्टार्टिंग किया था उसमें लेकर इस तरह से, देखिए हो गया ना। अब इस पर ऊपर बढ़ाना है तो आप क्या करना है, एक ऐसे लेना है, उसके बाद ऐसे करके फिर अब तो इस तरह से इसको अब इससे बड़ा करना है, तो बीच में एक हम सिकड़ीवा लेंगे, उसके बाद फिर ऐसे तब फंदा लेकर इसमें डालेंगे, इसी प्रक्रिया को दोहराते जाएंगे। आपको जितना बड़ा एक करना है उसी तरह से एक एक फंदा लेना है, उसके बाद फिर उसी तरह से बढ़ाते जाना है। फिर इसको इस तरह से एक फंदा लेंगे, फिर इसको इस तरह से, देखिए फ्रेंड इस तरह से दोहराते जाएंगे। अगर इसी पर हमको डिजाइन भी बनाना है तो देखिए, एक मैं डिजाइन बनाकर बताती हूँ, देखिए इसका कार्डिगन डिजाइन है, जितना बड़ा आपको बनाना उस तरह से बना लीजिए। देखिए ये गुच्छा बन गया, उसके बाद मैं फिर एक सिकड़ीवा लूँगी, फिर एक इसको छोड़ दूँगी, उसमें फिर इसमें डालूँगी। देखिए देखिए इस तरह से एक, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। अब जितना मोटा बड़ा डिजाइन रखना चाहते हैं उतना आप इसमें फंदा ले सकते हैं। देखिए इसको फिर इस तरफ से, देखिए
फिर इसको इस तरह से आप एक दो तीन चार, देखिए ये बन गया ना डिजाइन। देखिए इसी तरह से आप चारों बगल बनाते जाते, इस तरह से आप कार्डिगन भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप इसको फूल भी बना सकते हैं। देखिए इसको हम इस तरह से ऐसे कर दिए, फिर इसको एक छोड़े फिर इसमें डाल दिए। देखिए फिर इसमें हम ये लेंगे, एक दो तीन चार, फिर पूरा फंदा में से निकाल कर फिर इसमें से इसमें ऐसे कर देना है। देखिए फिर इसमें से आप इस तरह का फूल बन जाएगा ये।